हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे मलाई चिकन कोफ्ता ग्रेवी, जो बहुत ही डिलीशियस होती है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर जो है मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन ले लिया है और अच्छे से इसे वॉश कर लेगा। और यहाँ पर देखें, ऑनियन, हरी मिर्च और हरा धनिया ले लिया है। हम जो है ना ऑनियन और हरी मिर्च को पहले जो है ग्राइंड कर लेंगे, और हरा धनिया भी आप बाद में ऐड करके ग्राइंड कर लें, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर चिकन को भी अच्छे से, आपको जो है चिकन का पानी निकाल कर इस तरह से ऐड करना है ड्राई कर, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर हम जो है फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून इतना, और हरा धनिया ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है 2 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स ले लिया है 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून ले लिया है, ठीक है। ये देखें धनिया पाउडर हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एट लास्ट हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। बस अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। हरी मिर्च भी हमने ऐड किया था, उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लें, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसे क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, ठीक है। 3 to 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। किस तरह से बनाना है ब्रेड क्रम्स, मैंने शॉर्ट में वीडियो अपलोड की है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल को ऊपर से ग्रीस कर इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये कोफ्ते जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। इसकी ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 ऑनियन ले लिया है, हरी मिर्च और काजू बादाम अपने हिसाब से ले लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 20-20 लिया है, ठीक है। ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पर जो है कोफ्ते रेडी कर लेंगे। आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ा या छोटा रख सकते हैं कोफ्तों का, ठीक है। मैंने मीडियम साइज़ से थोड़े से बड़े बनाए हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर चिकन जो है कच्चा लिया है, हमने पकाया नहीं है। तो अच्छा अंदर तक इससे चिकन को गलाने के लिए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। अगर आप हाई फ्लेम पर रख देंगे तो ऊपर से जो है वो गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से पूरे साइड्स पर टर्न करते हुए फ्राई कर लेना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी, तो इसे कोई भी बना सकता है। जिससे किसी को भी कुकिंग नहीं आती है वो भी इसे ग्रेवी को बना सकता है, ठीक है। बस आपको इसे इसी तरह से सारे फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। दूसरे पैन में सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून इतना हम यहाँ पर तेल ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे, ठीक है। कलर चेंज नहीं करना है हमें, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे सॉटे कर लेंगे, ठीक है। ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी शाही होती है, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये देखें, यहाँ पर भी एक नज़र रखें आप कोफ्तों के तरफ भी, ये अच्छे से हो चुके हैं। तो आप इसे निकाल लें और दूसरे इसमें ऐड कर दें, ठीक है। अच्छे से पूरे साइड्स पर आपको इसे पकाना है। ये देखिए मैं यहाँ भी हो गए हैं फर्स्ट बैच, मैं यहाँ पर सेकंड बैच ऐड कर रही हूँ। बस इसे भी सेम उसी तरह से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 200 ग्राम दही। अच्छे से इसे बीट कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें, ठीक है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर ले लिया है दूध, ठीक है। ये कच्चा दूध है, मैंने इसे गर्म नहीं किया है, ठीक है। 3/4 कप। और यहाँ पर देखें अच्छे से ये सॉटे हो चुके हैं, 3 से 5 मिनट हो गए हैं। अब उसे हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे दूध ऐड कर कर। और ये देखें मैं आपको कट कर कर भी दिखाती हूँ कि हमारे कोफ्ते किस तरह से पके हैं। ये देखें अंदर से जो है अच्छी तरह से ये पक चुके हैं, चिकन अच्छे से गल चुका है, ठीक है ना। बस आपको इसी तरह से सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। देखिए ये भी फ्राई हो गए हैं, बस आपको इसे निकाल लेना है। आप इसे इसी तरह से भी कोफ्तों को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम ग्रेवी बना लेते हैं। कढ़ाई में जो हमने कोफ्ते फ्राई किया था वही तेल ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम मैंने यहाँ पर बटर भी ऐड कर लिया है, और यहाँ पर साबित गर्म मसाला ऐड कर लेंगे।
लौंग, दालचीनी, शाजीरा और इलायची ऐड करेंगे, थोड़ा सा सोटे होने देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया था ना, वो ऐड कर लेंगे। मसाला ग्राइंड करते समय मैंने जो दूध था वो उसमें ऐड कर कर ऐड किया है, ग्राइंड किया है, ठीक है। बस आपको इसे अच्छी तरह से सोटे कर लेना है। जितना भी तेल हमने इसमें डाला है वो पूरा लास्ट में सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करते जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको इसे फ्राई कर लेना है, ठीक है। ये देखें, जैसे ही इसका जो ये ठीक होने लगेगा उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से बीट कर कर ऐड करें, वरना इसमें लम्स रह जाएंगे, ठीक है। ये जो है ग्रेवी बहुत ही यमी बनकर रेडी होती है और बहुत ही शाही होती है। ये देखें, दही हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसे भी आपको अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है, दही का पानी सूखने तक। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, ठीक है। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो ग्रेवी है वाइट ही रहेगी। अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है और इसे ऑयल सेपरेट होने तक जो है पका लेना है, ओके। आप इसी तरह से अगर इसे छोड़ देंगे तो ये बॉटम में स्टिक होने लगेगा, तो इसे लगातार जो है मिक्स करते रहें। ये देखें, ऑयल जो है सेपरेट होने लगा है, साइड्स में आपको लग नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ये ग्रेवी हमारी वाइट है तो आपको ऑयल उतना नहीं दिख कर आएगा, ठीक है। बस अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे कस्तूरी मेथी। अच्छी तरह से आप इसे क्रश करके ऐड करें, इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है ग्रेवी में, ठीक है। और एट लास्ट हम गरम मसाला ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से आपको इसे भी मिक्स कर लेना है। जो ग्रेवी है हमारी थिक होने लगी है, इस टाइम पर हम यहाँ पर कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपको ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, वरना ये जो है थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आपको इसमें क्रीम ऐड कर लेना है, फ्रेश क्रीम 3-4 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से आप इसे ऐड कर लें। उसके बाद ऊपर से जो है हरा धनिया ऐड कर इसे ढाप कर मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सी हमारे यहाँ पर ग्रेवी बन जाएगी, कोफ्ता ग्रेवी। ये देखें कितनी यमी लग रही है ना। देखिए, तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट्स छोड़ दिया था सिम पर, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए चारकोल बंद कर कर रख दिया है। इसमें थोड़ा सा तेल या घी ऐड करके इसे ढाप कर 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखें, अब हम यहाँ पर इसका चारकोल जो है निकाल देंगे। इसमें बहुत ही अच्छी सी स्मोकी फ्लेवर आ चुकी है कोफ्ता ग्रेवी में। बस आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर लें, रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, लच्छा पराठे के साथ, या फिर बटर नान के साथ। ये बहुत ही यमी लगती है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप चाहें तो घर पर कभी भी बनाकर खा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।